हेलो फ्रेंड्स, मैं तमन्ना एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ ओके क्रेडिट में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसा वीडियो जो आप अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी तक आप क्या क्या नादानियाँ कर रहे थे बिजनेस में, जो आपका बिजनेस चल नहीं पा रहा था। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बिजनेस को सफल बनाने के कुछ टिप्स। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको किस तरह के वीडियोज और देखने हैं बिजनेस को लेकर, कोई स्टोरी है आपके पास इंस्पिरेशनल वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल देखिए वो टिप्स जिनसे आप अपने बिजनेस को बना सकते हैं सफल। अपने इंटरेस्ट को अपना बिजनेस बनाएं। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले ये अवश्य जान लें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप क्या करना पसंद करते हैं, कैसे रहना पसंद करते हैं, साथ ही वो कौन सा काम है जिसे करके आप बेहद खुश फील करते हैं। यानी कि आपको अपने बिजनेस के लिए ऐसे काम को चुनना होगा जिसमें आप एकदम परफेक्ट हों, जिसमें आपको ये एहसास होना चाहिए कि हाँ, मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मैं इस काम के लिए बेस्ट हूँ। यदि आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्टेप को अच्छे से फॉलो करें। दूसरा स्टेप है रिसर्च करना। रिसर्च करने के लिए आपको कुछ सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, जैसा कि आपके बिजनेस को मार्केट में कैसा रिस्पांस मिल रहा है, लोग आपके प्रोडक्ट को कितना पसंद कर रहे हैं, आपके टारगेट कस्टमर्स कौन से हैं, आप किस चीज़ का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, क्या उस तरह का किसी और ने बिजनेस किया है, क्या आप जिस समस्या के समाधान के लिए बिजनेस कर रहे हैं तो कोई और भी ऐसा कर रहा है, मार्केट में आपके बिजनेस की कितनी आवश्यकता है, आपके लिए कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं और आप किस तरह से अपने बिजनेस को मार्केट में जगह दिला सकते हैं। तो इस तरह बहुत से सवालों का जवाब आपको इस रिसर्च में ढूंढने से मिल जाएगा। तीसरा स्टेप, बिजनेस प्लान बनाएं। बिजनेस प्लान बनाते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए किसी इन्वेस्टर की आवश्यकता है। यदि हाँ, तो आपको इन्वेस्टमेंट लाने के लिए डिटेल में बिजनेस प्लान बनाना होगा। इस प्लान में आपको वो हर एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन शामिल करना होगा जिसकी आवश्यकता है या आगे पड़ेगी, जैसा कि एग्जीक्यूटिव समरी, कंपनी डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, मार्केट एनालिसिस, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट समरी, फाइनेंशियल एनालिसिस आदि। जब कोई भी इन्वेंटर आपके द्वारा दी गई सभी जानकारियों से संतुष्ट हुआ तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाएगा। यदि आपको अपने बिजनेस में किसी इन्वेस्टर की सहायता की आवश्यकता नहीं है तो आप अपने बिजनेस प्लान को किसी नोटबुक या डायरी में लिख सकते हैं और समय समय पर उसमें बदलाव कर सकते हैं। बिजनेस में लगने वाले इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें। कई बार देखा गया है कि बिजनेस में लगने वाले खर्चों को हम कहीं नोट नहीं करते, सोचते हैं चलो बाद में लिख लेंगे, लेकिन ये आदत आपके बिजनेस के सफलता में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए बिजनेस में होने वाले खर्चे को पहले से नोटबुक में लिखें और जैसे जैसे खर्चा होता है आप उन खर्चों की समीक्षा करते जाएं, जिससे आने वाले समय में आपको अपने बिजनेस में होने वाले निवेश और लाभ का फर्क समझ में आए। आप अपने बिजनेस से जुड़े खर्चे जैसे कि लाइसेंस और परमिट, लीगल फीस, इंश्योरेंस, इक्विपमेंट्स, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, रिसर्च आदि पर होने वाला खर्चा आदि का बजट पहले से निर्धारित कर दें। इससे ऑडिटिंग के समय आपको अधिक दिक्कत नहीं आएगी। पांचवा स्टेप, बिजनेस स्ट्रक्चर बनाना। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले हमें यह तय करना होता है कि जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जैसा कि क्या आप उसे अकेले चलाएंगे या फिर पार्टनरशिप करेंगे या फिर उसे आप एक कॉरपोरेशन के रूप में ढालना चाहेंगे। आपको बता दें कि बिजनेस स्ट्रक्चर का होना बेहद आवश्यक है क्योंकि टैक्स पेयर जैसे आवश्यक काम आपके बिजनेस स्ट्रक्चर पर आधारित है। बिजनेस का नाम रजिस्टर कराएं। किसी भी व्यक्ति का नाम उसकी पहचान होता है, ठीक उसी तरह किसी भी बिजनेस का नाम उसकी पहचान होता है। लोग उसी नाम से उस बिजनेस और प्रोडक्ट को जानते हैं, इसलिए ऐसा बिजनेस नेम चुनें जो आपके ब्रांड की वैल्यू को बढ़ाने में मदद कर सके। लाइसेंस और परमिट्स लें। जब एक बार कंपनी नेम रजिस्टर हो जाए तो उसके बाद अगला टारगेट होगा लाइसेंस और परमिट। जी हाँ, आप जिस चीज का भी बिजनेस करने जा रहे हैं उससे जुड़े सभी लाइसेंस और परमिट के लिए अप्लाई करें। जब आप रिसर्च करें तब ये भी जानकारी जुटाएं जो आप बिजनेस करने जा रहे हैं उस बिजनेस के लिए लाइसेंस और परमिट की आवश्यकता होगी। आप चाहें तो इसके लिए किसी बंदे को हायर कर सकते हैं जो इन सभी काम को अच्छे से जानता हो। बिजनेस लोकेशन को रिसर्च के मुताबिक चुनें। लोकेशन हमेशा सही चुननी चाहिए और वही चुननी चाहिए जो बिजनेस के लिए सही हो। इसके लिए थोड़ी सी रिसर्च करें और जो आपके बिजनेस के लिए आवश्यक है उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखें। अगला स्टेप, अकाउंटिंग सिस्टम सेट करना। ये तो हर बिजनेस करने वाला जानता है कि बिजनेस चाहे किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस से जुड़ा हो लेकिन उसका अकाउंटिंग सिस्टम काफ़ी मजबूत होना आवश्यक है। इसी से तो आप अपने बिजनेस के लिए सही बजट मॉडल तैयार कर पाएंगे। आपके पास यदि इतना समय है कि आप इस काम को सही से मैनेज कर सकें तो ठीक, वरना आप किसी अकाउंटेंट को हायर कर सकते हैं। परफेक्ट और पैशनेट टीम तैयार करें।
यदि आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं है, आप अकेले ही सभी काम मैनेज कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें एक टीम की आवश्यकता होगी तो आपको परफेक्ट और पैशनेट टीम तैयार करनी होगी जो आपके बिजनेस को कामयाबी तक पहुँचा सके। तो देखा आपने, ये कुछ टिप्स थे जो आपके बिजनेस में काम आ सकते हैं, और इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं अपने लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपको इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों, हर किसी के अपने अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, अपना काम करने का तरीका होता है, और आपको वो चीज़ आंकनी पड़ेगी कि आप किस लिहाज से, किस तरह के बिज़नेस में अपना टैलेंट जो है, अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रिसर्च करिए, जो बिज़नेस आप कर रहे हैं उस पर रिसर्च बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा दिल क्या कहता है और हमारा दिमाग क्या कहता है, इन दोनों में सामंजस्य बिठाना बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप पैशन को भी फॉलो करते हैं ना, जो आपका शौक है, वो भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है, आपका काम भी होता है, पैसा भी आता है और आपका पैशन भी फॉलो होता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, जो आप करना चाहते हैं करें, बस अच्छे कहते हैं ना, अच्छी वाइब्स होनी चाहिए, साथ ही साथ जज्बा अच्छा होना चाहिए, और आपकी ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसलिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और हाँ, बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।